एक मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी आपको, वो कहीं से भी आपको स्पीकर से, पुराने स्पीकर से आपको मिल जाएगा। तो हमको चाहिए एक मैग्नेट और एक नीडल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। अब उस नीडल को हम मैग्नेट के ऊपर कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में रब करेंगे। तो चेक करने के लिए कि हमारे नीडल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई है कि नहीं, तो आप उसको रिपेल करा के देख सकते हैं। अगर रिपल्सन हो रहा है तो इसका मतलब साफ है कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ चुकी है। आपको बस उस मैग्नेटिक नीडल को वाटर के ऊपर रखना होगा। तो सरफेस टेंशन की वजह से हमारा जो मैग्नेटिक नीडल है वो वाटर पर आराम से तैर सकता है। अगर ये करने में आपको थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो आप एक थर्माकोल का छोटा सा टुकड़ा ले सकते हैं जिसके ऊपर हमारा मैग्नेटिक नीडल आराम से फ्लोट करेगा। अब ये बन गया हमारा मैग्नेटिक कंपास जो कि हमेशा एक नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन को ही पॉइंट आउट कर रहा हो।